दोस्तों अभी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम है सक्षम। ये एप्लीकेशन खास करके DWD के लिए है, यानी दिव्यांग जनों के लिए है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सक्षम एप्लीकेशन को कैसे इस्तेमाल करना है और इस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या सर्विसेज दिया गया है, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सक्षम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। तो ओपन पर क्लिक कर देते हैं। ओपन करते ही दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में ऑप्शन आ जाता है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड सारे सर्विसेज देखने को मिल जाता है, जिसमें कि पहला ऑप्शन है PWD मार्किंग, यानी कि अगर आप दिव्यांग जन हैं तो यहाँ से अपना मार्किंग करा सकते हैं। उसके बाद है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ से आप एक नया वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि यहाँ पर आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करते ही यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड में कोई भी अपडेट करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर माइग्रेशन, यानी कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर के लिए चले गए हैं तो अपना वोटर आईडी कार्ड को भी आप माइग्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर डिलीशन, यानी कि अपना वोटर आईडी कार्ड को यहाँ से डिलीट करा सकते हैं। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर इलेक्टर आधार ऑथेंटिकेशन। अगर दोस्तों आपका वोटर आईडी कार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं है तो इस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेटस ट्रैकिंग, यहां से अपना स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया है फैसिलिटीज एट पोलिंग बूथ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर चार सर्विसेज दिया गया है, जिसमें पहला सर्विस है फैसिलिटीज एट पोलिंग स्टेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर पोलिंग स्टेशन का फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद दिया गया रिक्वेस्ट फॉर व्हील चेयर, यानी कि यहाँ से आप अपना व्हील चेयर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। उसके बाद दिया गया रिक्वेस्ट फॉर पिक एंड ड्रॉप, दोस्तों अगर आप वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो आप पिकअप और ड्रॉप के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस, यहाँ से अपना व्योले के पास कॉल कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया सर्च का ऑप्शन, यहाँ से अपना वोटर आईडी कार्ड को सर्च कर सकते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड फाइंड कर सकते हैं, जिसमें पहला है बारकोड, यानी स्कैन करके अपना वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद दिया गया सर्च बाय डिटेल्स, यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल करके वोटर आईडी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया सर्च बाय एपिक नंबर, यानी वोटर आईडी नंबर फिल करके आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है नाउ योर पोलिंग स्टेशन, यहां से अपना पोलिंग स्टेशन जान सकते हैं। उसके बाद है बूथ लोकेटर, यानी कि अपना बूथ को लोकेट कर सकते हैं, यहां से अपना कैंडिडेट का जानकारी निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लेन का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं दोस्तों यहां से आप कोई भी एक कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद है रीड व्यू आर्टिकल, यहाँ पर PWD के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों सक्षम एप्लीकेशन में वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड सारे सर्विसेज दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो काफ़ी पसंद है। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर